हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले क्रूड ऑयल के जो 22 जून फ्यूचर्स जो चल रहा है यहाँ पर करंटली मार्केट में, वो यहाँ पर आपको किस तरह से ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है और यहाँ पर हमें किस तरह प्राइस आइटम जो है अपसाइड या फिर डाउन साइड के अंदर ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पर हमारा किस तरह सेटअप बन सकता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आज का जो सेशन है वो यहाँ पर काफ़ी कम वॉलिटिलिटी और काफ़ी ज़्यादा कम मोमेंटम यहाँ पर हमें जो है अभी के हिसाब से देखने को मिल रहा है और करंटली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल्स चल रही है, तो यहाँ पर जो सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। सो फॉर अ टाइमिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो शॉर्ट पोजिशन एक अच्छी खासी जो है डाउन ट्रेंड यहाँ पर हमें फॉलोअप होते हुए देखने को मिल सकता है क्रूड के अंदर, जस्ट बिकॉज एज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली दैट इज वन टाइम यहाँ पर हमें सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रहा है, टू टाइम्स एज वेल एज यहाँ पर थ्री फोर और फाइव टाइम्स जो है यहाँ पर 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर हमें सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर बिलो द प्राइस ऑफ 8480 या फिर 8485 के नीचे अगर यहाँ पर कैंडल्स जाती है डाउन दैट प्राइस लेवल और सस्टेन करती है तो एक अच्छा जो है यहाँ पर हमें जो टारगेट है डाउन साइड के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर अपसाइड के बारे में बात करूँ तो अपसाइड के लिए हम यहाँ पर जो वेट करेंगे फॉर द प्राइस लेवल टू ब्रेक दैट इज 8630 का प्राइस लेवल अगर यहाँ पर ब्रेक करता है तो शॉर्ट टारगेट जो हम यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट का रख सकते हैं। हालांकि अपसाइड के अंदर इतना ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, हालांकि अगर यहाँ पर आप थोड़ा बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हो तो जैसे ही फोर्थ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आज के दिन के हिसाब से 24 मई को अगर यहाँ पर आज टूटता है तो एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर हमें लॉन्ग ट्रेड एक अच्छा सा प्राइस मोमेंटम जो है यहाँ पर हमें अपसाइड के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई यहाँ पर काफी वीक देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत अच्छा सा सस्टेन देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर हमें किस तरह प्राइस मोमेंटम जो है देखने को मिलता है, अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे ट्रेड के लिए। एमएसईडी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एमएसईडी ने यहाँ पर हमें जो लास्ट इंटीमेशन है वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी की यहाँ पर हमें जो है ब्लू लाइन रेड लाइन को अच्छी तरीके से अपसाइड के अंदर ब्रेक कर सकती है। अगर ये करती है और आरएसआई स्ट्रांग होता है तो भी यहाँ पर हम जो है यहाँ पर दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट के एक अच्छा सा लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। सो होप करता हूं कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, एज़ अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।